नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म 15C कैसे हमें फिल करना है। अगर आप भी अपना पीएफ निकालने जा रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा आपका पीएफ है और 5 साल से कम की सर्विस है, तो आप सही जगह आए हैं क्योंकि आपको फॉर्म 15C फिल करना है। दोस्तों, फॉर्म 15C जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए, फिर आप उसको फिल करिए, अगेन उसको स्कैन करवा कर आप पीडीएफ बनाइए और फिर उसको अपलोड कीजिए। जब आप क्लेम करेंगे तब आप साथ में अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में बने रहिए, मैं फॉर्म 15G का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको मैं आपको कोई कॉपी नहीं करवाऊंगा कि आप देख लीजिए और ऐसा कैसा जो है वो फिल कर दीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आप खुद तो ये फॉर्म 15G भर सके। आपके पास अगर कोई और भी आएगा फॉर्म 15G भरवाने के लिए, तो आप उसका फॉर्म 15G भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 15G सिर्फ पीएफ में ही नहीं लगता है, वो बहुत जगह काम आता है। अगर आपके बैंक में एफडी है तो वहाँ पर भी फॉर्म 15G का इस्तेमाल जरूर होता है। तो अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म 15G जो है वो फिल करना है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और सामने आपको दिख रहा है फॉर्म 15G। कुछ ऐसा फॉर्म होता है और उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन दोनों पार्ट का प्रिंट निकालना है और आपको फिल करना है। लेकिन फिल आपको जो करना है, जो जिसमें जानकारियाँ भरना है, वो पार्ट वन ही है। पार्ट वन में ही आपको अपनी जानकारियाँ इंटर करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म जो है वो कंप्लीट करके रखा है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म मेरा 15G जो मैंने कंप्लीट करके रखा है, सामने आप देख रहे होंगे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है फॉर्म 15G, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपनी जानकारियाँ भरी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या जानकारियाँ जो है वो एंटर करना है। चलिए सबसे पहले जो लिखा है, देखिए, नाम ऑफ एसेस, जिस पीएफ मेंबर का पीएफ निकाल रहे हैं उसका आपको नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर सेकेंड नंबर पर पैन ऑफ द एसेस, यहाँ पर आपको पैन कार्ड एंटर करना है जिनका आप पीएफ निकाल रहे हैं। 10 डिजिट का यहाँ पैन नंबर आपको एंटर करना है उनका। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन का पीएफ निकाल रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल लिखना है आपको। प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप जो है वो पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर आपको एंटर करना है। अभी मैं एंटर कर रहा, जो आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, जो मैंने ये फॉर्म जिस समय भरा है, वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 वाला। आप इसे जिस समय भरेंगे उस समय का आपको फाइनेंशियल ईयर लिखना है। फिर रेसिडेंट स्टेटस में आपको रेसिडेंट लिख देना है, ठीक है। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ तक आपको 12, एक्चुअली 12 तक आपको सिर्फ एड्रेस ही आपका कंप्लीट करना है। तो आप, मुझे लगता है आप ये आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो वही जानकारी है जो आमतौर पर आप भर, पता होगा आप भर लेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर पर जो है वो ईमेल एड्रेस है, अगर आप चाहें तो एंटर करें, भरे नहीं तो कोई बात नहीं है। 14 नंबर पर आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो जिनका आप पीएफ निकाल रहे हैं उनका टेलीफोन नंबर आपको एंटर करना है। चलिए 15 नंबर पे बात करते हैं, ये क्योंकि समझने वाली जो पॉइंट है वो है 15 नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने यहाँ पर इसके अलावा कहीं और पर आपने फॉर्म 15G यूज़ किया है, तो वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर आपने यूज़ किया है तो आप यस पर क्लिक करिए, और अगर नहीं किया है, मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने नहीं किया था, मैंने यूज़ नहीं किया था कहीं पर भी फॉर्म 15G, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। 16 नंबर वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। यहाँ पर आपको वो लिखना है जो पीएफ आप निकाल रहे हैं, यानी कि जो पीएफ का पैसा आप निकाल रहे हैं वो पैसा आपको यहाँ पर भरना है, वो कितना आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पर 90,000 है, तो मैंने 90,000 यहाँ पर एंटर कर दिया है, ठीक है। तो जैसा कि 50,000 से ज़्यादा है तो ये हम 15G फॉर्म भरेंगे, तो मेरे केस में यहाँ पर ज़्यादा था, तो मैंने 90,000 यहाँ पर एंटर किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कई लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि आपको यहाँ पर जो है वो पेंशन का अमाउंट एड नहीं करना है, सिर्फ आपको एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, उन दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पर लिखना है। पेंशन का जो अमाउंट है उसको आपको हटा देना है, उसको नहीं यहाँ पर लिखना है, क्योंकि पेंशन के अमाउंट पे कोई ना तो ब्याज मिलता है और ना ही टैक्स जो है वो लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 16 नंबर पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर के पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है उसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो आपका पीएफ अमाउंट है जो आप निकाल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, मान लें 90,000 रुपये,
तो उसके अलावा भी आपकी कहीं इनकम हुई है, ठीक है, मतलब जो पीएफ से आप 90,000 निकाल रहे हैं ये तो आपकी इनकम है, इसके अलावा भी आपकी कहीं और इनकम हुई होगी। तो मेरे केस में 1,00,000 रुपये इनकम थी मेरी पीएफ के अलावा, जिनका मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 1,00,000 रुपये अदर इनकम थी, तो मैंने 1,00,000 रुपये भी यहाँ पर प्लस कर दिया। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये अदर इनकम थी, तो 1,90,000 रुपये जैसा कि वो पीएफ हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप अपनी इनकम बताएं तो 2,50,000 से अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। अगर आपकी इनकम जो है वो पीएफ को मिलाकर और आपकी पर्सनल इनकम मिलाकर अगर 2,50,000 से कम है तो ही आप यहाँ पर एंटर करें। आप ध्यान से भरें, इसे 2,50,000 से कम ही होना चाहिए जो भी आपकी इनकम है। चलिए 18 वाला पॉइंट जो है, 18 नंबर का पॉइंट है, डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15 अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। ये पॉइंट 15 से रिलेटेड है, अगर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक किया होता तो आपको फिर यहाँ 18 नंबर वाले पॉइंट पर बताना होता कि आपने कितने अमाउंट के लिए 15G फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है, और उन्हीं के नीचे दो कॉलम लिखे हैं, इसमें आपको बताना पड़ता है कि कितने फॉर्म अपने ये लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, कितने फॉर्म अपने इस फाइनेंशियल ईयर में यूज़ किए हैं, और यहाँ पर अमाउंट भी बताना होता है कि कितने अमाउंट के लिए आपने यूज़ किया था। लेकिन ऐसा आपने नो पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर इन्हें छोड़ सकते हो या एन ए लिख कर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब 19 नंबर पॉइंट में कुछ डिटेल मांगी है, वो डिटेल आप ध्यान से फिल करें। तो पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर एक पहले लिखना है, फिर आपको जिनका पीएफ आप निकाल रहे हैं उनका पीएफ नंबर, यूएन नंबर, ये दोनों आपको एंटर करना है, ठीक है। नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम में आपको लिखना है पीएफ विदर्वल, क्योंकि हम जो पैसा निकाल रहे हैं वो पीएफ से निकाल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन अंडर विच टैक्स, यहाँ पर सेक्शन जो है वो टैक्स डिडक्शन का जो आता है वो सेक्शन 192A आता है, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 192A भरना है। अमाउंट ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम में वही इनकम आपको यहाँ पर भरना है जो आपने 16 नंबर में भरी थी, ठीक है। 16 नंबर पे जैसे मान लीजिए मैंने 90,000 भरा है, तो यहाँ पर भी आपको वही इनकम 90,000 जो आपकी आपका जो इतना पीएफ हो सकता है आप वो लिखना है। तो 16 नंबर वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपको सेम रखना है, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, जिनका पीएफ आप निकाल रहे हैं उनके सिग्नेचर करवा दीजिए। फिर कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली डॉट वाली जगह पर यहाँ पर उस पीएफ मेंबर्स का जो है नाम पूरा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कुछ डॉट्स और हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर आपको लिखना है ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2020, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर फिर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, आपको जो ये लास्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है ये किस तारीख को ख़त्म होगा, ये आपको तारीख यहाँ पर मेंशन करनी। तो मैंने यहाँ पर लिखी है 31 मार्च 2021, ठीक है। फिर से वही प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो आपको यही डेट वापस यहाँ पर एंटर कर देना है 31 मार्च 2020, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 31 मार्च 2020। फिर आपको यहाँ पर वही है असेटमेंट ईयर, फिर से आपको 31 मार्च 2021 लिख देना है। अब आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है, देखिए प्लेस लिख दिया है, जिस तारीख को आप इसे अपलोड करेंगे वो तारीख आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको वापस से यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। अब आप इसे PDF बनवाकर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि फॉर्म 15G भरना आप सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।